तो मेरा भाई फ्रॉम नवी मुंबई हॉक भाई का एक गाना आ गया ओ लॉर्ड। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ भाई, आई एम सॉरी हॉक भाई। आप देख मुझे पता है कि आप देख रहे हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। और भाई के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो कोई भी लड़का नहीं चाहता अपने जिंदगी में हो। उनके फादर साहब भगवान को प्यारे हो गए। सबसे पहले तो रेस्ट इन पीस उनके फादर साहब को, कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ ये थोड़ा सा विशेष उनको कन्वे कर देना कमेंट्स में। और भाई को भी हो सके तो भाई मैसेज कर देना, या जो भी आपको दे सके आप उनको कंडोलेंस या हिम्मत दे सके वो उतना दे देना भाई। बाकी 3 महीने बाद भाई हैज केम बैक स्ट्रॉन्गर, तो देखते भाई भाई क्या लाया अपने लिए। तो अपने ज़्यादा बकचोदी करने लगे मामे हॉक ओ लॉर्ड प्रोडक्शन बाय ग्लिक्सी टाकुस। टाकुस है कि टेकस है? जिंदगी से ठोकर ऐसी मैंने खाई है जो किसे कम ना भरेगा ये अंटी लड़ा है। ऐ खुदा तेरे निजाम में बेहिसाब क्यों तू कितना ही देना जितना हमसे जीना जाए। बना को ठीक देखूंगा मैं आगे नसीब के लचार समझू खुद को ऐसा कभी होगा नहीं है। सब हारी नमाजी अपने आप पर रखी ने फिर के फिर उठूंगा आगल फाफो मलाए। लाइफ अभी नाकों के सामने बिखरी पड़ी शिरे फनी फिर भी खड़े हम चेहरे पे लेके हंसी। कुछ दिन पहले तक था सब कुछ पास मेरे पर अभी एक पल में किसकी जमी अब्बा साथ मेरे ना अभी लगे पहाड़ गिरा सर परी पत्थरी हाल इस दिल का वैसे बेचारा समझना खुद को ना कभी सीखा। भुगतूंगा दुख नसीब का था शुक्र गुजार हर चीज का तो गया क्यों चीना सब उसी वक्त जिसने जीना सिखाया। खुल के था मैंने उसे ही देखा छोड़ते दम इन बाजुओं में पड़े ढीले हाथ उनके चिल्लाया अब्बा अब्बा ए मालिक इल्तिजा सुन ले या अली कर मदद तू ना अभी छोड़ियो कमजोर इस तरह से दिल ये घबरा है इस वक्त इस हालात से काश ये एक सपना हो तो मुझे नींद से फिर जगा दे। किया करता था दुआ है तुझसे सपने सच कराने पर आज मरना सुनने के लिए ये सच में एक सपना है भाई। ओ माय गॉड भाई की जो बातें आ रही है लिटरली चुभ रही है भाई मेरे को, है ना। मैं खुद फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं हॉक हूँ और मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को। माँ कसम भाई अंदर धक-धक हो रहा है मेरे को बहुत जोर जोर से। भाई भगवान ना करे ये दिन किसी को देखना पड़े, बट भाई को अनफॉर्चुनेटली ये दिन देखना पड़ा। बट फिर भी ही केम बैक स्ट्रॉन्गर। भाई ने अपने दिल की बातें लिखी और इस तरह ऐसे टाइम पे इतने सच्ची और एकदम इम्पैक्टफुल बातें निकलती है ना भाई। ये चीज़ें दिल से निकलते हैं, दिल से निकल के सीधा दिल पे लगती है। दिल को छू जाना एक अलग होता है और ये दिल पे लगना एक अलग होता है भाई। ये चीज़ें दिल पे लग रही है जो कि होना नहीं चाहिए, बट इट इज। भाई यहाँ से सुनते हैं अपने आप फिर के फिर उठूंगा के सामने बिखरी पड़ी शिरे फनी फिर भी खड़े हम चेहरे पे लेके हंसी। कुछ दिन पहले तक था सब कुछ पास मेरे पर अभी एक पल में किसकी जमी अब्बा साथ मेरे ना अभी लगे पहाड़ गिरा सर परी बदतरी हाल इस दिल का वैसे बेचारा समझना खुद को ना कभी सीखा। भुगतूंगा दुख नसीब का था शुक्र गुजार हर चीज का तो गया क्यों चीना सब उसी वक्त जिसने जीना सिखाया। खुल के था मैंने उसे ही देखा छोड़ते दम इन बाजुओं में पड़े ढीले हाथ उनके चिल्लाया अब्बा अब्बा ए मालिक इल्तिजा सुन ले या अली कर मदद तू ना अभी छोड़ियो कमजोर इस तरह से दिल। भाई के आवाज में आप वो पेन सुन रहे हो, वो पेन फील हो रहा है आपको। ये घबरा है इस वक्त इस हालात से काश ये एक सपना हो तो मुझे नींद से फिर जगा दे। किया करता था दुआ है तुझसे सपने सच कराने पर आज मरना सुनने के लिए ये सच में एक सपना है। जिंदगी से ठोकर ऐसी मैंने खाई है जो किसी को ना भरेगा ये अंटी लड़ा है। ऐ खुदा तेरे निजाम में बेहिसाब क्यों तू उतना ही देना जितना हमसे जिला जाए। वरना घुटने टेकूंगा मैं। भले आप खुदा से कुछ भी मांग लो कि भाई हमको ये दो हमको ये दो, बट आपके इधर जो लिखा है वही आएगी। बट अपने अंदर भी एक उम्मीद होती है कि हाँ अपने साथ जो भी ऊपर वाला कर रहा है वो सही कर रहा है। बट ये चीज़ से मुझे एक लाइन याद आई कर्मा भाई की, जो भगवान है उसमें भाई ने बोला था कि लोग बोलते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट बच्चे से एक बाप छिन जाना वो अच्छा कैसे होता है। मुझे ये लाइन याद आई कर्मा भाई की। तो यही सेम चीज़ यही सेम सिचुएशन भाई के साथ हुई है। लोग बोलते हैं कि भाई खुदा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, बट ये चीज़ अच्छी नहीं है भाई। भले एक रीज़न के लिए हुआ हो, बट किसी भी चीज़ किसी भी मतलब के लिए हुआ हो, किसी भी वजह से हुआ हो, ये चीज़ किसी के लिए अच्छी नहीं है भाई। बाप को खोना I am unable to put it in words. जो किसे कम ना भरेगा ये अंटी लड़ा है। ऐ खुदा तेरे निजाम में बेहिसाब क्यों तू उतना ही देना जितना हमसे जिला जाए। वरना घुटने टेक
देखूंगा मैं आगे नसीब के लाचार समझू खुद को ऐसा कभी होगा नहीं अब तक हारी नमाजी अपने आप पर रखी है गिर के फिर उठूंगा जख्म ये सदा का भरे ना मेरे मरने तक मंजिल जब कब्र रब से है मन्नत बुलंद रे कंधे बस जो उठा सकू भार में अब भाई देखो ये वर्ड्स में भी भाई ने राइमिंग स्कीम्स को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है बिल्कुल भी इंटरनल राइमिंग स्कीम्स अभी भी चल रही है भाई ने अपना एसेंस भी डाला है बट दुख और अपना टैलेंट ये और ये दोनों मिला के ये गाना आया भाई रे मरने तक मंजिल जब कब्र रब से है मन्नत बुलंद रे कंधे बस जो उठा सकूं भार में अपनों का वो भी बेझिझक कर्मों का फल सब माफ उनको ला दूं जन्नती धरती पनती पर खुशी ना बची बस हंसी झूठी अश्कों मरते बहता समंदर बूंदी माँ जो घर पे रोता बाहर अकेले ताकि टूटे ना हिम्मत उनकी महसूस अब एक बल सुखनी लुक डैड आई एम गोइंग थ्रू दिस पर कोई ना अब्बा मुझे तुमसे रत्ती भर शिकायत नहीं हर ख्वाहिश मेरी कामिल की बचपन से अब तक लाजी भी पर देते थोड़ा वक्त और कमा के वो सब धन दौलत बिछा देता कदमों में तुम्हारे करना था सब्र और तुम्हें होता मुझ पे फक्र और वास्तव बनाता सब भाई ये चीज ना हर एक लड़का सोचता है भाई हर चीज मैं खुद सोचता हूँ ये कि मेरे माँ बाप को और कुछ ना करना पड़े मैं इतना मेहनत करके इतना पैसे कमाऊँ कि उनको किसी भी चीज की कमी ना हो किसी चीज की कमी महसूस ना हो बस उनको अपने बेटे पे फक्र हो बट अनफॉर्चुनेट जितनी बार बोल रहा हूँ मैं अनफॉर्चुनेट मुझे और बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं इस वीडियो पे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ Look dad I'm going through this par koi na abba mujhe tumse ratti bhar shikayat nahi har khwahish meri kamil ki bachpan se ab tak lazimi par dete thoda waqt aur kama ke wo sab dhan daulat bicha deta kadmon mein tumhare karna tha sabr aur tumhe hota mujh pe fakr aur vastav banata sapno ko bhar dol mein bas log aur records mein bas crores par rab wo sab ka matlab nahi jo kar sako tum witness nahi bas still I'm going to do it maa ke liye I'll achieve everything yo man I promise bhai ye cheez se na mujhe ronaldo ki bhi jo एक इंटरव्यू थी ना जो रोनाल्डो उसमें रो रहा था कि मैं इतना ग्रेट बन गया आई एम ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट बट मेरा डैड मेरा बाप ही नहीं है ये सब विटनेस करने के लिए तो इस चीज़ का कुछ मतलब नहीं है भाई भी वही बोल रहे यार मतलब बहुत कुछ रेमिनिसेंस हो रहा है मतलब बहुत कुछ याद आ रहा है मेरा भाई आई कांट कमेंट ऑन दिस भाई मैं इसका कुछ रिव्यू नहीं देना चाहता मैं उसका कुछ नहीं बोलना चाहता मैं सिर्फ ये भाई के लिए कर रहा हूँ कि लोग भाई को सुने भाई को जाने क्योंकि ही डिज़र्व्स इट भाई He deserves every bit of recognition and you know या fame या reach जो भी बोल लो He deserves it भाई भाई का talent इतना immense है ना भाई आप पिछले तीन चार गाने चेक कर लो भाई के प्रार्थना पे भाई ने एक remix video बनाया और बहुत सारे जो चीज़ें भाई के इतना technical rhyming scheme इतने hard इतना hard core लिखते हैं ना भाई ऐसे ऐसे rhyming लिखते हैं ऐसे ऐसे metaphors ऐसे ऐसे word plays करते हैं ना भाई मतलब खतरनाक है बंदे का टैलेंट एकदम नेक्स्ट लेवल है तो इसलिए मैं बस सिर्फ भाई के लिए कर रहा हूँ कि भाई जो भी जितने भी लोग अपने देख रहे हो तो प्लीज़ भाई को जाके सपोर्ट करो भाई को सुनो और कमेंट्स में भाई को वो ना हिम्मत देना कि भाई यू हैव टू बिकम स्ट्रांग आप ऐसे अपने काम करते रहो आपकी कलम बहुत मजबूत है आपका टैलेंट बहुत ही अच्छा है तो हम है आपके साथ आप बस आगे बढ़ते रहो मैं भी यही कहना चाहता भाई प्लीज़ रुकना नहीं जो भी है अभी इस चीज़ को अपना एक पावर बना लो इस दुख को अपना एक पावर बना लो और अपने कला में डाल दो भाई दैट्स इट भगवान खुदा जो भी देख रहा है ऊपर से और आपके पापा भी देख रहे होंगे ऊपर से तो वो आपको ब्लेस करेंगे एनी टाइम सून भाई लव यू मेरे भाई तब तक ध्यान रखना भाई टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर मॉम ऑल्सो ऑल द बेस्ट बाय बाय